डभोई आम आदमी पार्टी की विजय तिरंगा यात्रा हीराभागोड़ गढ़ भवानी माताना मंदिरे दर्शन करी वाहन रैली द्वारा डभोईना मुख्य बजार फरी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा ने फूलहार अर्पण करवामां आव्या हता। आदमी पार्टी डभोई तालुका ने शहर कार्यकरो रैली में जोड़ाया था। आम आदमी पार्टी द्वारा तालुकाना फरती कोई गामे थी डभोई शहर हीराभागोड़ गढ़ भवानी माताजी मंदिरे दर्शन करी वडोदरा जिला महामंत्री साइमन भाई डभोई शहर प्रमुख बी एम पटेल तालुका प्रमुख छायाबेन पाठक लघुमती प्रमुख अयुबभाई मंसूरी पोपट तेमज खेमाभाई वगैरह होदेदार कार्यकर्ताओं विजय तिरंगा यात्रा योजवामां आवी हती। पंजाबनी अंदर आम आदमी पार्टी की जंगी बहुमती थी विजय बनी एक ईमानदार सरकार बनी एक आम आदमी की सरकार बनी तेनी खुशी में आज समग्र गुजरात में विजय तिरंगा यात्रा काढवामां आवे छे। त्यारे आज डभोई में पण खूब उत्साह थी विजय तिरंगा यात्रा आम आदमी पार्टी डभोई शहर तालुका द्वारा काढवामां आवी हती। जिला महामंत्री और डभोई शहर प्रमुख सहित कार्यकर्ताओ कार्यक्रम ने सफल बनावानी जहमत उठावी हती। आजे हमारा गुजरात प्रदेश तरफ थी आखा गुजरात नी अंदर जे तिरंगा यात्रा निकली छे एवी तिरंगा यात्रा अमारा डभोई शहर नी अंदर पुणे खाचरे अमे फरवाना छे। अमारो उद्देश्य छे के संगठन ने मजबूत बनावा माटे अने आम आदमी पार्टी ना विचारों घरे घरे अमे पहोंचाड़वा माटे प्रयत्न करी रहा छे। आ रेलीनी अंदर खूब विशाल संख्यानी अंदर नगरजनों जोड़ाशे एवी अमने अपेक्षा छे। नगरपालिकामां हाल चाली रहेली परिस्थिति माटे शुं कहेवा मांगो? नगरपालिकानी अंदर अत्यारे जे प्रश्न छे सफाई कामदारो छेल्ला 20-22 दिवसथी हड़ताल उपर उतर्या छे तो अमे आशा राखीए छे के नगरपालिका चीफ ऑफिसर तथा एमनी बॉडी छे ए એમની પડખે રહીને ન્યાય આપે તો તૈયારીમાં ન્યાય આપે ત્વરિત ન્યાય આપે અને ડભોઈના જે આમ જનતા જે અત્યારે સમસ્યાથી પીડાઈ રહી છે એ સમસ્યાની પીડા જલ્દી હલ થાય એવી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ। યાત્રા કાઢવાનો મકસદ શું છે? યાત્રા કાઢવાનો મસ્તક અમારો એટલો જ છે કે વિધાનસભા 2022નું મસ્તક છે એ વિધાનસભાની અંદર અમારો આમ આદમી પાર્ટીનો ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર થાય અને અમારી પાર્ટીના વિચારો છે એ વિચારો ઘરે ઘરે સુધી પહોંચે અને આદરણીય કેજરીવાલ સાહેબના જે એમનું મસ્તક છે એ મસ્તકને અમે પૂર્ણ કરવા માટે અમે પ્રયત્નો કરીશું। શું નામ તો? બાલકૃષ્ણ પટેલ, શહેર પ્રમુખ। હિતેશ જોશીનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, ડભોઈ।